Yes friends, now we are going to see question number 2. From the following information available for the four companies, calculate EBIT, EPS, operating leverage, financial leverage, combined leverage. Interpret the result. Particulars are given. PQRS ka information hai, selling price per unit, variable cost per unit, quantities given hai, fixed cost given hai, interest given hai, tax rate given hai, aur number of equity shares given hai. ठीक है. अब इन दिस क्वेश्चन व्हेन वी हैव टू सॉल्व, तो आई बिलीव हमसे ईबीआईटी पूछा है, ईपीएस पूछा है, ओएल, एफएल और सीएल पूछा है. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट है, क्वांटिटीज है, तो हम एक इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दोगे आप तो आपके पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. और जब टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास एक बार आ गया तो उसमें से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस करना है तो यू विल बी गेटिंग ईबीआईटी. देन उस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो एनपीएटी आ जाएगा. एनपीएटी को एनपीएटी में से टैक्स रेट माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट, सॉरी ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीटी आ जाएगा. ईबीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे तो एनपीएटी आ जाएगा. और एनपीएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग ईपीएस, जो हमसे सेकंड पूछा है. फिर हम ओएल, एफएल और सीएल का फॉर्मूला लगा देंगे. ओएल का फॉर्मूला विल बी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, एफएल का फॉर्मूला विल बी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी और सीएल का फॉर्मूला विल बी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. दैट इज व्हाट यू विल डू. और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग लाइक इन दिस मैनर, स्टेटमेंट शोइंग ईबीआईटी, ईपीएस, ओएल, एफएल और सीएल. अब इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से मैंने आपके सामने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दिया और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया. जैसे ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया उसको मैंने मल्टीप्लाई ऑफ यूनिट से करा तो वी आर गेटिंग टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस. और जैसे ही हमारे पास ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गए, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया तो हमारे पास ईबीआईटी आ गया. ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ईबीटी आ गया. और इस ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दिया तो वी आर गेटिंग एनपीएटी. डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करा तो ईपीएस आ गया चारों का. फिर ओएल, एफएल और सीएल का फॉर्मूला लगा दिया हमने. एंड दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस. अब आपको इसमें सातवें क्वेश्चन में पूछा था इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. तो व्हेन वी हैव टू डू दैट, तो आई बिलीव आपने पहले जब ओएल, एफएल और सीएल निकाला होगा तो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग. ये आपके पास आया है. ओके. तो व्हेन यू हैव कैलकुलेटेड दिस ओएल, एफएल और सीएल, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, राइट? That is for PQRS. अब जब हमसे बोला है interpret the results, तो interpret का मतलब क्या होता है? Interpret का मतलब comment करना है. और comment में क्या करना है तो हमेशा आपको बताना है. सबसे पहले OL क्या measure करता है, तो OL measure करता है business risk को. और फिर जब OL business risk को measure करता है तो जिसका OL सबसे ज़्यादा होगा, because one पर तो no risk होती है, फिर OL जिसका ज़्यादा होगा उस कंपनी में highest risk है और जिसका OL कम है उस कंपनी में lowest risk है. तो वो हमने बता दिया इंटरप्रेट में. OL measures the business risk, higher the OL, higher the risk. Company R has highest risk followed by, I hope इसका सबसे पहले कंपनी R का highest आ रहा है, followed by Q and then both का same आ रहा है, that is P and S का same आ रहा है. ऐसे ही same जब हम FL की बात करते हैं तो FL measures the financial risk, higher the financial leverage, higher the risk. कंपनी आर का वापस से हाईएस्ट है, हाईएस्ट फाइनेंशियल रिस्क है, और फॉलोड बाय आई बिलीव अगेन क्यू, देन दिस एस एंड देन पी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कंबाइंड लेवरेज, यू हैव कैलकुलेटेड दैट कंबाइंड लेवरेज आल्सो. और कंबाइंड लेवरेज विल बी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, तो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. या फिर आप ओएल इंटू एफएल भी कर सकते हो तो भी आपके पास यही सेम आएगा. अब जिसका हाईएस्ट है उसके पास टोटल रिस्क ज़्यादा होगी. सीएल क्या करता है, टोटल रिस्क को मेजर करता है, फाइनेंशियल प्लस बिजनेस रिस्क दोनों को. कंपनी आर की सबसे ज़्यादा रिस्क, वैसे भी दोनों उसके हाईएस्ट था तो वो उसकी हाईएस्ट यानी है, फॉलोड बाय क्यू, देन एस एंड पी.
एंड दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर टू. चलो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर थ्री. अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं. अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ 10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 7 lakhs, fixed cost 2 lakhs and a debt of 5 lakh at 10% rate of interest. What are the operating, financial or combined leverage? If the firm wants to double its earning before interest and tax, how much of a rise in sales would be needed on a percentage basis? कितना आपको rise in sales चाहिए percentage basis पर, ये निकालना है. तो पहले तो कंपनी का OL, FL और CL पूछा है. अगेन आप पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओगे और ईबीआईटी तक निकालोगे. आपके पास सेल्स दे रखी है 10 lakh की, वेरिएबल कॉस्ट है 7 lakh का, तो कंट्रीब्यूशन 3 lakh आ जाएगा. फिक्स्ड कॉस्ट 2 lakh माइनस करोगे तो ईबीआईटी 1 lakh आ जाएगा, और उसमें से 5 lakh का 10% ऑफ इंटरेस्ट का 50,000 इंटरेस्ट हो गया तो 50,000 ईबीटी बच जाएगा आपके पास. फिर आपका ओएल का फॉर्मूला विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, एफएल का फॉर्मूला विल बी EBIT अपॉन EBT, और CL का फॉर्मूला विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT. ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. देखो ये कैलकुलेट आप कैसे करोगे. आई बिलीव दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट. पहले इनकम स्टेटमेंट बनाया हमने, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो EBT. अब OL निकालना था तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 3 आ गया, एफएल निकालना था ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 2 आ गया, और सीएल निकालना था तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी 6 आ गया. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में वो ये है, वो बोल रहा है कि ईबीआईटी को अगर मुझे डबल करना है तो सेल्स में कितना परसेंटेज बड़ा होगा. तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं. पहला तरीका, ये ईबीआईटी मेरा 2 lakh हो जाना चाहिए. तो अगर ये 2 lakh हो जाएगा तो आई बिलीव फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा 2 lakh ही, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन 4 lakh आ जाएगा. अब वेरिएबल कॉस्ट जब मेरा 70% था तो मेरा कंट्रीब्यूशन 30% है, पीवी रेशियो 30% है, तो मेरे पास जो 4 lakh रुपए आया उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 30% से तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी. जो भी मेरे पास सेल्स आई तो मैं देख लूंगा कि वो सेल्स इंक्रीज कितना हुए हैं और मैं वो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकाल लूंगा. एक तरीका ये है करने का. इसमें मैंने रिवर्स इनकम स्टेटमेंट बना लिया. मैंने पहले ईबीआईटी को डबल कर दिया, मतलब 2 lakh कर दिया. फिक्स कॉस्ट 2 lakh सेम रहेगी तो मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन 4 lakh आ गया, और 4 lakh को डिवाइड बाय 30% कर दो आप तो आपके पास सेल्स आ जाएगी. मगर वो आंसर नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पूछा है. तो हम वो माइनस 10 lakh करेंगे और फिर जो भी अमाउंट आया उसको डिवाइड बाय 10 lakh इंटू 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आ जाएगा. एक तरीका ये था. और दूसरा तरीका ये है कि हमने डायरेक्टली क्या करा, हमको पता है ओएल के दो फॉर्मूले होते हैं. एक तो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और एक और क्या होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, या परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन का चेंज है वही सेल्स का चेंज है. इसमें हमें हमेशा मानना है कि जो भी सेल्स में चेंज हुआ वो क्वांटिटी में चेंज होता है, प्राइस में नहीं होता है. तो देयरफॉर हम यही फॉर्मूले से, जब हमारे पास ओएल 3 है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हमारे पास 100% बोल रहा है, डबल बोल रहा है ना इसका, तो ईबीआईटी 1 lakh का 2 lakh हो गया, मतलब 100% चेंज आ गया. तो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या सेल्स अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 100 बाय 3 हो जाएगा तो 33.33%, ये डायरेक्ट आंसर आ गया. इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, और वो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सेल्स को बढ़ा दिया अगर हमने 33.33% से तो वो यहां आ जाएगा, उसमें से 70% वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन 40% बच जाएगा. चेक करो आप, ये देखो 30% बच जाएगा सॉरी कंट्रीब्यूशन. तो आप ये चेक कर लो, ये रहा 1 lakh को प्लस 33.33% करा हमने तो हमारे पास यहां पर 13,33,333 आ गया. इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 70% माइनस कर दोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन 4 lakh बच जाएगा, और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा तो आपके पास ईबीआईटी ऑटोमेटिकली 2 lakh आ जाएगा. तो दैट इज द इजीएस्ट
doing this one, ये आप directly कर सकते थे कि OL तो same रहा और percentage change in EBIT upon percentage change in contribution skills ले लिया हमने, तो कभी भी question इसमें से कुछ भी देगा तो आप दूसरी चीज निकाल सकते हो। अगर question में बोला होता कि sales को double कर दिया तो EBIT में कितना change आएगा, तो हम क्या करते, OL को 3 लिख देते और percentage change इसमें double करना है तो इसको 100% लिख देते, तो EBIT हमारा 300% आंसर आ जाता। तो दैट वे वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट दिस वन, और ये प्रूफ करके भी दिखा दिया हमने। एग्जाम में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए है। दैट इज ऑल, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो आई बिलीव यहां तक समझ में आ गया सबको। ओके, नेक्स्ट में हम अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। चलो तो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 4th। क्या गिवन है हमें, एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000 यूनिट्स। इसको 20 लाख की जगह 20,000 यूनिट्स ही करना। इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 14 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 9 पर यूनिट, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स। तो हमें OL निकालना है 25,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स के लिए। आई बिलीव आपको मैंने एक बात बताई थी कि OL क्या मेजर करता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर द बिजनेस रिस्क, और बिजनेस रिस्क जो आएगी वो किसकी वजह से मेनली आएगी, फिक्स कॉस्ट की वजह से। बट अगर मैं सेल्स इंक्रीज करूंगा तो मेरी रिस्क जो है वो कम होगी। तो इसमें हमें 25,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स के लिए निकालना है, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा जो OL है वो 30,000 यूनिट्स के लिए कम आना चाहिए इन कंपेरिजन टू 25,000 यूनिट्स। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट्स पर है, तो इसका मतलब यह होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो होगा, ईबीआईटी जीरो होगा, मतलब जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा उतना ही फिक्स कॉस्ट होगा। तो उससे पहले हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, वी विल प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड विल फाइंड आउट द फिक्स कॉस्ट। वो कैसे निकलेगा, तो देखो सेलिंग प्राइस है 14, वेरिएबल कॉस्ट है 9, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू 5 पर यूनिट ऑफ कंट्रीब्यूशन। वो 5 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 20,000 यूनिट्स विल गिव द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख। अब ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन है, तो यहां पर जो 1 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा 1 लाख ही, तो प्रॉफिट जब भी तो नील होगा। तो फिक्स कॉस्ट हमने निकाल दी 1 लाख। अब अगर यही सेम हमको 25,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स के लिए तो आप कर ही सकते हो, 25,000 इंटू 5, 1,25,000 आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस फिक्स कॉस्ट 1 लाख ही रहेगी, तो 25,000 आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब 1,25,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 25,000 का प्रॉफिट ईबीआईटी विल गिव यू 5 एज योर ऑपरेटिंग लेवरेज। और जब 30,000 के लिए निकालना है तो 30,000 इंटू पहले तो 5 करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 1,50,000 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट 1 लाख ही रहेगी, तो 50,000 ईबीआईटी आ जाएगा, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज 3 आ जाएगा। तो देखो 5 से कम आ गया, ये हमने सॉल्व भी कर रखा है, लेट अस चेक दैट। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4th, एग्जिस्टिंग वाला जो गिवन था 14 माइनस 9 5 आ गया, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करा कंट्रीब्यूशन आ गया, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट यही सेम रहेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट पर था, तो हमने यहां निकाल दिया। यहां का OL नहीं निकल सकता क्योंकि 1 लाख को आप कैसे डिवाइड करोगे जीरो से, तो यहां पर OL नहीं आ रहा है, इंफिनिटी आ जाता है। और यहां पर अगर आप चेक करोगे तो आई बिलीव देखो अब ये 25,000 आया, 1 लाख फिक्स कॉस्ट माइनस करा तो प्रॉफिट 25,000, तो ये आपके पास 5 आ गया, और यहां पर करा तो 3 आ गया। ये यहां पर ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से ये ध्यान होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट हमेशा, तो 1 लाख ही आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आया तो वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो गया, तो 1 लाख लिख दिया था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5।
लेट अस रीड इट नाउ. अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 5 और 6 भी. अल्फा लिमिटेड हैड फर्निश्ड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2014. फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, टोटल 48 लाख. इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख टोटल शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये 10 लाख है. जनरल रिजर्व 2 लाख है, 15% डिबेंचर 28 लाख है और करंट लाइबिलिटी 8 लाख है. प्लीज ये ऊपर नीचे हो रहे हैं अमाउंट, आप इसको देख लेना. तो टोटल 48 लाख हो गया. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट 28 लाख गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 2.5 है और टैक्स रेट आपको 30% गिवन है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमें क्या क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, दैट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, ये चारों चीजें हमें कंप्यूट करने को बोल रहा है. तो हमें सबसे पहले अगर ईपीएस निकालना है तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो आई बिलीव सबसे पहले आपके पास टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो गिवन है और टोटल एसेट्स गिवन है. देखो ये फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स करेंगे तो टोटल एसेट्स हो जाएगा. तो 48 लाख टोटल एसेट्स हो गया और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो 2.5 हो गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स आ रहा है एंड दैट सेल्स विल बी 120 लाख या 1,20,00,000, क्योंकि 48 लाख इंटू 2.5. एक बार सेल्स आ गया तो वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 60% माइनस कर दोगे तो 40% कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 120 लाख का 60% निकालोगे 72 लाख आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन 48 लाख बच जाएगा. कंट्रीब्यूशन में से ये फिक्स कॉस्ट 28 लाख माइनस कर देंगे हम तो 48 माइनस 28 तो ईबीआईटी 20 लाख आ जाएगा. उसमें से हमारा 15% डिबेंचर्स है 28 लाख का, तो 28 लाख का 15% निकाल लोगे, माइनस कर दोगे तो आपके पास ईबीटी बच जाएगा, माइनस टैक्स रेट कर देंगे 30% का तो एनपीएटी आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख कर देंगे हम तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा. फिर ओएल निकालना है तो फॉर्मूला यू नो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. एफएल निकालना है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और सीएल निकालना है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. ये फॉर्मूला लगा करके आप ये सॉल्व कर सकते हैं. अब इसका आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो दैट इज योर सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन नंबर 4th के बाद 5th आ गया. पहले हमने टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो को टोटल एसेट से मल्टीप्लाई करा, वर्किंग नोट नंबर 1 बना करके सेल्स आ गया. जैसे ही सेल्स आया तो इनकम स्टेटमेंट बनाया, सेल्स लिखा 120 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60% माइनस कर दिया 72 लाख तो कंट्रीब्यूशन 48 लाख, फिक्स कॉस्ट 28 लाख जो गिवन था हमें वो माइनस कर दिया, अदर देन इंटरेस्ट था ये तो ईबीआईटी आ गया. माइनस इंटरेस्ट करा 28 लाख का 15% 4.2 लाख तो हमारे पास 15.8 लाख ईबीटी आ गया. टैक्स रेट माइनस करा 30% का इसमें से तो एनपीएटी आ गया 11.06 लाख, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख से डिवाइड करा तो 11.06 ही आपके पास ईपीएस आ गया. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 48/20 2.4. एफएल का फॉर्मूला लगा दिया 20 लाख डिवाइड बाय 15.8 तो 1.2658 आ गया, और सीएल का भी फॉर्मूला लगा दिया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी तो 3.04 आ गया, और आप चेक कर सकते हो 2.4 × 1.2658. And this is how you have solved your question number 5. Now we can move to the next question. Question number 6th. क्या given है हमको? From the following, prepare income statement of company ABC और briefly comment on each company's performance. Company की performance के बारे में बताना है, मतलब क्या करना होगा आपको? आई बिलीव आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, किस कंपनी की ज्यादा है, किस कंपनी की कम है और कंपनी की क्या कम है, दैट इज व्हाट यू विल कंपेयर. तो वो तो आप कर सकते हो, बट इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? तो इस बार फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स गिवन है और इनकम टैक्स रेट गिवन है. तो अब अगर हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो अब हम कैसे बनाएंगे अगर हमारे पास लेवरेजेस गिवन होंगे तो? तो व्हाट आई वांट टू से इज, देखो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बताओ, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. तो मैं बोल सकता हूं कि फाइनेंशियल लेवरेज अगर ए का 3:1 है
तो इसका मतलब अगर ईबीटी 1 है तो ईबीआईटी उसका 3 टाइम्स है, और ईबीआईटी और ईबीटी का जो डिफरेंस होता है दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट 200 गिवन है हमको, तो मैं बोल सकता हूं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू ईबीटी, और जो ईबीआईटी है वो 3 ईबीटी हो सकता है क्योंकि 3 टाइम्स है। तो 3 ईबीटी माइनस 200 इज इक्वल्स टू ईबीटी, तो 3 ईबीटी माइनस ईबीटी इज इक्वल्स टू 200, तो 2 ईबीटी इज इक्वल्स टू 200, तो ईबीटी इक्वल्स टू 100। एक्स मान के भी कर सकते हो, देखो मैंने इसको सॉल्यूशन करा, देखो फाइनेंशियल एवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है, तो ईबीआईटी देखो अब आप चेक कर सकते हो, इसमें यू कैन चेक दैट कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी हमें जो दे रखा था वो 3x अपॉन 1x हमने कर दिया, यस हमने 3x अपॉन 1x कर दिया, तो इंटरेस्ट 200 था तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, तो 3x माइनस 200 इज इक्वल टू x, तो 3x माइनस x विल गिव अस 200, तो x विल बी इक्वल्स टू 100, तो x हमने ईबीटी माना था इसलिए ईबीटी 100 आ गया। ये फाइनल एवरेज के थ्रू हम ईबीटी निकाल दिया और ईबीआईटी भी आ गया 3x इसका, तो 300 हो गया, तो ईबीआईटी भी आ गया और ईबीटी भी आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ओएल भी गिवन है, ओएल गिवन है 4:1, ए कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, बी और सी आप होमवर्क में करोगे। ओएल भी गिवन है 4:1, तो ओएल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट 4 ईबीआईटी, और ईबीआईटी अभी हमने 300 निकाल ही लिया था, तो 300 इंटू 4 1200 कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो आपको गिवन है 66.66% ऑफ सेल्स, 66 2/3 का मतलब 66.66%, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 33.33% ऑफ सेल्स। तो सेल्स हम कैसे निकालेंगे, 1200 का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 33.33% कर दोगे तो सेल्स आ गया 3600। एक बार सेल्स आ गया तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी आपको गिवन था ही सही, माइनस इंटरेस्ट वो भी गिवन था, तो ईबीटी आ गया, और ईबीटी माइनस टैक्स रेट कर दोगे तो आपके पास एनपीएटी तक आ जाएगा। ये ए के लिए बनाया, वैसे अब आप बी और सी के लिए बना लोगे, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 आप एक ट्राई करो होमवर्क में, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। क्वेश्चन नंबर 7, 8 ऑनवर्ड्स नाउ वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।